रियाज भाई की मेहनतें और जिस तरह से आप टूट करके बैठे हुए इस मुशायरे में, सलाम आपको। अगली बार इंशाल्लाह ये मुशायरा दो दिन रखा जाएगा, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, एक दिन सिर्फ चचा सुनाएंगे, तो अच्छा रहेगा। आप चचा को बिठा लीजिए, मुशायरा चलने दें चचा आप। दो निवाले भले कम ही खाया करो अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाया करो अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाया करो। अब नज़्म सुनाता हूँ आपको साथ, के कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। यहाँ से वहां तक आपकी दुआएं मिले। भार्गव भाई भारत साहब की मौजूदगी और इमरान की ये नज़्म, आप पर एक इल्ज़ाम है, आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप सिर्फ मजहबी अशार पे दाद देते हैं। अगला मिसरा जो आएगा वो आपके इम्तहान का मिसरा है, सुन के बताइएगा साहब। के कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। तैयार रहिएगा यहाँ से वहां तक। के कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया, मैं तो बिल्कुल सच्चा सुन रखा था मैंने आपके बारे में, सलाम आपका, बहुत मोहब्बत वाले लोग। मैं फिर से पढ़ता हूँ साहब। के कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ा जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों में, सलाम। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अभी सोए तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है, वो पहुंचाइएगा अपनी तालियों के शोर के साथ उन तक ये मिसरे। मैं नाम ले लूंगा नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, यही ट्वीट था उनका, न जाने कैसी गुंडागर्दी है, नींद में खलल डाला जा रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने
घंटों झेले हैं बेदर्दी के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान। कभी ना होगी बंद अज़ान। अच्छा इधर भी लोग खड़े हैं क्या? मैं पढ़ता हूँ साहब, आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। होगी बंद अज़ान कभी ना होगी बंद अजान। सलाम है फैयाज भाई की कोशिश को और सलीम पाशा साहब यहाँ बैठे हैं, एयरपोर्ट आए थे मुझे लेने के लिए और जिस मोहब्बत से वो यहाँ तक सही सलामत लेके आए उनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं चाहता हूँ एक बार फैयाज भाई के लिए ज़ोरदार ताली बजाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुशायरे को सजाया, यकीन जानिए बहुत मेहनत से। और मुझे याद है कि कल रात 11:30 बजे के आसपास जब मुझे लगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, चूँकि आने वाले 6 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ मैं जंतर मंतर पर, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये जो भीड़ आवाम को कत्ल कर रही है उसके खिलाफ जंतर मंतर पर एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि ईद के दिन काली पट्टी हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने अपने बाँह पर बांध करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि वो अपील मैंने की थी, मेरी कोशिश थी वो, और पूरी दुनिया के लोगों ने उस अपील में मेरा साथ दिया था। हुकूमत के कान तक हमारी सदाएं पहुंची थी, हुकूमत के कान पर जू रेंगी थी। मुझे खुशी है कि उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, रविशंकर प्रसाद साहब ने बयान दिया, प्रेसिडेंट साहब बोले और आज सदन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बातें रखी जा रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत अच्छा बोला, शरद यादव साहब ने बहुत अच्छा बोला। अब अगली कोशिश हमारी है, हम 6 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इस स्लोगन के साथ, इस भीड़ कातिल भीड़ के खिलाफ मेरा एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट है। मैं जंतर मंतर पर 6 अगस्त को जा रहा हूं और पूरे देश के सामने इस भीड़ के खिलाफ एहतजाज के तौर पर उससे ये कहते हुए कि मेरा खून सड़कों पर मत बहाओ, हमारा खून सड़कों पर मत बहाओ, हम इसे डोनेट करते हैं, क्या पता किसी इंसान की जान बचाने के लिए। बहुत बड़े पैमाने पे मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कई हज़ार यूनिट ब्लड उस एक दिन डोनेट हो, दुआ भी करिएगा मेरे लिए। मैं उस कोशिश में बहुत परेशान था, तो रात 11:30 बजे जब मेरी फैयाज भाई से बात हुई तो बड़े जज्बाती आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रूंधे हुए गले से मुझसे कह रहे हैं कि इमरान भाई आपको ज़रूर आना चाहिए, और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं हाजिर होऊंगा, और आनंद फानंद में मैंने सुबह की फ्लाइट पकड़ी और आपके बीच हूँ। मैं पढ़ता हूँ इस नज़्म को पूरा करता हूँ साहब, के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। शायरी वारी तो अपनी जगह है साहब, अब मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरा ईमान कहता है, अब मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरी धड़कने कहती है। मैं पढ़ता हूँ साहब आखिरी बंद इस नज़्म का, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। अगले मिसरे पे अगर आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो एक एक हाथ उठ जाए पीछे तक, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी।